मिस्टर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा डटा एंड बा बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने मिस्टर पर जताया भरोसा। एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी का कारोबार कई सेक्टर्स में है और वो अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लगातार निवेश भी करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बीते 10 साल में $125 बिलियन का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार मुकेश अंबानी ने 10 सालों में टेलीकॉम और हाइड्रोकार्बन पर हर घंटे 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज कई तरह के बिजनेस से जुड़ी है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अंबानी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आए दिन इनके बिजनेस एक्सपेंशन और प्लान्स की खबरें भी आती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछले 10 साल में $125 अरब से अधिक का निवेश किया है। कंपनी ने इस निवेश के जरिए हाइड्रोकार्बन और टेलीकॉम बिजनेस में बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। अंबानी ने 10 सालों में टेलीकॉम और हाइड्रोकार्बन पर हर घंटे 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि अगले 3 सालों में ग्रुप का निवेश अपेक्षाकृत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होगा। पीटीआई के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस लंबे और इंटेंसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल हाइड्रोकार्बन और दूर संचार से बाहर आ रही है। वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने O2C कारोबार के पैमाना एकीकरण और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2013 से 18 के बीच लगभग $30 अरब का निवेश किया है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में हाई ग्रोथ के लिए 4G 5G क्षमताओं में वित्त वर्ष 2013 से 24 के बीच अनुमानित लगभग $60 अरब का निवेश किया है। पूरे देश में 5G इम्प्लीमेंट होने की संभावना है और इसके साथ टेलीकॉम चार्ज में बढ़त भी हो सकती है। इसे उम्मीद है कि टेलीकॉम बिजनेस कंपनी के O2C के साथ कैश फ्लो का प्रमुख जरिया बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 3 साल में जिन बिजनेस यानी कि रिटेल और न्यू एनर्जी की खोज और प्रोडक्शन में अधिक निवेश कर रहा है, वे कंपैरेटिवली कम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ अधिक रिटर्न वाले हैं। साथ ही प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में भी समय कम लगेगा। एक रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट को शुरू होने में आमतौर पर कम से कम 5 साल लगते हैं, जबकि एक सोलर पावर प्लांट के लिए लगभग 2 साल और एक रिटेल स्टोर को तैयार करने में 6 से 12 महीने का समय लगता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।